कल स्पेशल माला सानी आश्रम से आप यहाँ पधार रहे और आज के बाद आए आप सबकी तरफ से स्वागत कर रहे हैं हमारे सानी आश्रम से आए हुए श्री रघुनाथ जी का। आप सभी भक्तों से निवेदन भी है बाहर भंडारे प्रसाद की व्यवस्था हमारे ज्ञान रंजन जी और भक्तों को लेकर है, तो बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। जो भी भक्तों को प्रस्थान कर रहे हैं निवेदन है आप सभी के प्रसाद भंडारा प्रसाद लेकर हम लोग बैठ जाइए। अभी दो मिनट के बाद में आरती हो जाएगी, उसके बाद निकल जाएंगे। बैठ जाइए आप सब लोग। ज्यादा से ज्यादा हरि ओम मा स्वस्ति नारायण वेद श्रवाह स्वस्ति नामुखा विश्व वेदा स्वस्ति नस्तादिशो आदिशरेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बोले श्री हनुमान जी महाराज की श्री बाबा ने गौरी महाराज की सदा स्मरणीय पदम पूज्य पिता श्री श्री न्याय बाबा महाराज की सदा जय। स्वामी रघुनाथ जी को हमारे पूज्य पिताश्री का और सानिध्य आशीर्वाद मिला हुआ है। मैं चाहूंगा दो शब्द हमारे सभी भक्तों को आशीर्वचन। आज मैं कल सुबह अचानक हमारे मेहता साहब सांडी आए थे दर्शन करने के लिए। बाबा जी के दर्शन किया, सब जो हुआ मैं कोई मन था कहीं घूमे, लेकिन उसमें उन्होंने कहा किला घाट बाबा जी की दरबार उनको जरूरी जाना है, चलो मैं भी चलता हूँ। फिर कहा ऐसे नारायण स्वामी जी की पुण्यतिथि है, चलो भैया दिल्ली का टिकट देखो, रिटर्न टिकट आया क्या? पहले तुरंत 10 बजे मेरा रिटर्न टिकट भी बनवाया, हम तुरंत हिम्मत कर गए क्योंकि बाबा जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरा 16 साल की उम्र में हमारे दो बॉडीगार्ड, एक नारायण स्वामी एक नीम कोरोना महाराज, दोनों जने यहाँ पर ही हैं, आपके छोड़ के कहीं नहीं गए, यहीं पर ही है इसी टाइम पर, क्योंकि सबको बाबा जी ने रामायण की किताब दी लेकिन नारायण स्वामी जी को गीता की किताब बांटी थी। मैं तो हिंदी नहीं आता था इसलिए मेरे को तमिल में एक हनुमान चालीसा का किताब दिए थे बाबा जी ने। बस उसके बाद हमारे बाबा जी की आना जाना सब था। फिर अचानक 84 के बाद बाबा जी से फिर मुलाकात होने लगी नारायण स्वामी से, लेकिन जौनापुर से मरोली आता था, नारायण स्वामी से मिलके चले जाता। अचानक 2020 में इनकी माता जी परमपद हुए 2019, मतलब उस टाइम महाराज जी कहने ये गीता में कहाँ रखूँ, तुम्हारे सामने मैंने पाया पहले। उसमें बाबा जी की रेटिंग है, 1970 में बाबा जी अपने हाथों से नारायण स्वामी के लिखे थे, कल इनको दिखाया था मैंने मेहता साहब। फिर वही 18-19 में बाबा जी से नारायण स्वामी से मेरे को भेंट मिला, क्योंकि नारायण स्वामी जी आप लोग कई लोग देखे होंगे दर्शन किए होंगे, साक्षात एक ब्रह्म रूप है। उनसे यही कि कहा भंडारा करो, देखो किसी को आचना मत करना, भंडारा करो, आज तक भंडारा चल रही है। एक बार कैंची धाम में भंडारा हो रहा था गायत्री परिवार वालों, बच्चे भूखे थे, बाबा जी आया, भैया भंडारे में कोई बने ही नहीं, क्या बन चुके हैं लेकिन उनकी पूर्णावती नहीं हुई, उनका पूर्णावती कभी नहीं होगा, सो बच्चों को खिला। बाबा जी ने सबको बच्चे को खिलाए, सब वहाँ से गायत्री परिवार को यजमान था वो आए, भैया बाबा जी आपने क्या कर दिया, ऐसे हो तो कैसे, लोगों की कटोरी दे दिया, जाकर यज्ञ कुंड से मांग लो। मांगा तुरंत खीर, वो खीर को मतलब बांटने के लिए काम, बाबा जी आप मानव सच मतलब 3 दिन बांटते बांटते खीर कभी समापन नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी पास फिर आया मैं क्या करूँ, अग्निकुंड से लिया अग्निकुंड से
इसी तरह आज जो भी आए भक्त लोग, गोपाल स्वामी जी ने सबकी भंडारा व्यवस्था, आज प्रसाद पाने के पहला मौका भी मेरे को मिला। कोई भी भूखे नहीं है, क्योंकि मतलब बाबा जी के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ये होता। नारायण स्वामी जी को भी यही था, पूजा होता रहेगा। कोई कई लोग आप कहते हैं व्रत रहता हूँ, व्रत का मतलब क्या? अपने मतलब हृदय में भगवान को रख के व्रत रहना उचित। किसी बाबा जी को भी पसंद नहीं है, किसी को ये नहीं। एकादशी व्रत हो, कोई भी हो, कोई अचानक मंदिर आ रहे हैं प्रसाद दिया भैया मैं एकादशी, ये मत भूल जाए। और एक बार हनुमान चालीसा में लिखा है, कत बार पाठ करे कोई छोटे मंदिर मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। आपको याद होगा, कंठस्थ होगा, लेकिन हनुमान चालीसा किताब लेके ही पढ़ना। बिगड़ किताब के पढ़ने वाला वो पढ़ना नहीं होता, ये याद रखिए। मैं थोड़ा सा हिंदी यहाँ आने के बाद सीखा हूँ, उससे पहले हम सीखे नहीं। हम दोनों कैसे बात करते हैं बाबा जी जाने, लेकिन अतुलभूत यहाँ से महाराज से पास अनुभव था 6-7 साल से, लेकिन गोपाल स्वामी से मैं 70 से ही अनुभव हूँ। लेकिन हम एक मित्रता की तरह रहता था, लेकिन 84 में पता नहीं क्या हुए, पूजा हो रहा, सब लोग आए थे मरवड़ी गाँव जनेवा सिंह सब, उससे बाबा जी ने दंडवत करके मेरे को मेरा क्या महाराज जी आपकी उम्र क्या, मेरे उम्र क्या, नहीं तो साक्षात बाबा जी के साथ रह चुके हो, मैं भी रह चुका हूँ, लेकिन जो पद मैं नहीं पाया, लेकिन हुआ है ये गीता को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसको आज भी मेरे पास है। कल दो भक्त लोग उसको फोटो खींचने के लिए कहा, लेकिन बाबा जी की इच्छा नहीं हुई। ऐसे बोलो नीम बोलो नी महाराज की, इसलिए ये मैं सोचना शरीर रूप में तो नहीं है, आज आत्म रूप से आराम से ये सही टाइम में सुंदरकांड में मैं पहुंच गया हूँ। पूरा बैठ कभी मैं एक जगह नहीं बैठता हूँ, देखा होगा अपने आश्रम में भी भंडारा में भी, वो मेरे को बैठने का हदत नहीं, घूमना सब कुछ देखना सब, लेकिन यहाँ सुंदरकांड होने तक सब लोग ने मेरे को बता दिया, बड़ी आनंद आया। तुरंत बाहर निकला तो मेरे को प्रसाद भी मिल गया। जय बाबा जी की जय, बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरकांड में तो हम भी नहीं बैठते थे, लेकिन पता नहीं हनुमान जी बिठा के रखते हैं।